लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं अपनाएं एक हेल्दी आदतें, सेहत में होगा तुरंत सुधार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये हार्मोन से जुड़ी समस्या है जो कि महिलाओं को होती है। अगर किसी महिला को पीसीओएस हो जाता है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रभावित होने लगते हैं। यही नहीं, पीसीओएस की वजह से महिला के पीरियड्स अनियमित नहीं होते। पीसीओएस की वजह से महिला के पीरियड्स अनियमित नियमित नहीं होते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अगर महिलाओं को पीरियड्स नियमित ना हो तो इसमें उनकी फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। इस समस्या से ग्रस्त महिलाओं के लिए भविष्य में कंसीव करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। यही कारण है कि जिन महिलाओं को पीसीओएस है उन्हें इसे लेकर के सतर्क रहना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट सही तरह से करवाना चाहिए और डॉक्टर की दी गई दवा समय पर खानी चाहिए। इसके अलावा पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को कुछ हेल्दी आदतों को अपनाना चाहिए जिससे उनकी सेहत में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को किस तरह की हेल्दी आदतें अपनानी चाहिए। तो पहला है शुगर का सेवन कम करें या बंद कर दें। पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाएं में इंसुलिन रेजिस्टेंस की दिक्कत होने लगती है। दरअसल पीसीओएस हार्मोन में असंतुलन की वजह से होता है। हार्मोन इनबैलेंस के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ऐसे में शरीर सही तरह से इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। आपको बताते चले कि इंसुलिन पैक्रियाज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। शरीर फूड से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर भी मैनेज रहता है। अगर किसी का ब्लड शुगर का स्तर ज़्यादा रहता है तो उन्हें अपने पीसीओएस के लक्षणों को मैनेज करने के लिए कम मात्रा में शुगर का सेवन करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शुगर का सेवन बंद कर देना चाहिए। वजन संतुलित रखें, यानी वजन को आपको मेंटेन करना है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं अपना वजन संतुलित रखना चाहिए। पीसीओएस से पीड़ित कई महिलाएं ओवरवेट होती हैं, हालांकि सब महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। इसके बावजूद ये जान लें कि ओवरवेट होने से पीसीओएस के लक्षण बिगड़ सकते हैं। वैसे भी मोटापे की वजह से गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसके अलावा मोटापे की वजह से डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे में वजन को मेंटेन करने से पीसीओएस में सुधार की संभावना बनी रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं, खासकर पीसीओएस के लक्षणों को कम करने और ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में इसकी अहम भूमिका होती है। यही नहीं, एक्सरसाइज करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इस तरह हार्मोन्स बैलेंस रहने में मदद मिलती है। पीसीओएस के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। बैलेंस डाइट में महिलाओं को दालें, बीन्स, बेरी, मटर, ब्रोकली, चिया सीड्स जैसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए। ये सभी पोषक तत्व से भरपूर है। इसमें आपका पर्याप्त मात्रा में फाइबर, अन्य जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। इस तरह पीसीओएस की समस्या में भी कमी की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।